everyone. In this video, I am going to share with you Teaching Aptitude PYQ. It is the syllabus of UGC NET exam paper 1 general paper and NVS Navodaya Vidyalaya Samiti. This is the question number 22. In the two sets given below, set 1 provides level of teaching, while set 2 gives their focus of concern. Set 1 mein kya hai? Levels of teaching diya gaya hai. Set 2 mein focus of concern. मैंने लेवल ऑफ टीचिंग एक क्वेश्चन पे मतलब एक प्रीवियस वीडियो पे मैंने बताया है कि ये फोर टाइप्स का होता है. क्या क्या? फर्स्ट है ऑटोनोमस, फिर है मेमोरी, फिर है अंडरस्टैंडिंग एंड देन क्या होता है रिफ्लेक्टिव. ऑटोनोमस में ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, बच्चा खुद से सीखता है. जो घर में अपना देखा, रोना हंसना खेलना खाना, है ना, खुद से सीखता है, उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं या फिर लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं. मेमोरी में, मेमोरी लेवल में क्या होता है, बच्चा को रट्टू तो होता है, रोट लर्निंग. रोट लर्निंग बोलने का मतलब है जो आप सिखाइए आप वो वही बोले, उसी को रिपीट कर कर को सीखता है, इसलिए इसको रोट लर्निंग बोलते हैं. वो जानने का कोशिश नहीं करता है. जैसे घर में ही है बिल्ली है, अगर तो बिल्ली को बिल्ली ही क्यों बोलते हैं, या बिल्ली का कलर कितने कलर का होता है, किस टाइप का होता है, उसका साइज क्या होता है, वो घर में ही रहता है कि बाहर रहता है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता है वो, और वो जानने का कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ बिल्ली को देखा है और जानता है इसका नाम है बिल्ली, उसको इतना ही पता है. ये है रोट लर्निंग. अब अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, इसके बारे में वो जानता है थोड़ा सा, वो अपना एनहांस करता है नॉलेज को. यहाँ पे कलर बता दिया, उसके बारे में लिख भी दिया, उसका साइज बता दिया, वो कहाँ रहती है, वो क्या क्या खाना खाती है, फूड साइकिल के बारे में उसका बता दिया, सब कुछ बता दे रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग. तो अंडरस्टैंडिंग में क्या है, टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर उसको बता रहा है तो जान रहा है. और मेमोरी भी क्या है, ये भी टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि वो रट रट के सीखता है, जो उसको पढ़ाया जाता है वही रिपीट कर करके वो सीखता है. रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर. स्टूडेंट सेंटर मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सेंटर्ड जिसको बोलते हैं. प्रॉब्लम सेंटर्ड मतलब वो एक प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर रहा होता है, उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता. जैसे अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, है ना, या तो आप NVS का एग्जाम देने वाले हैं या फिर UGC NET का. तो UGC NET के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को कोई नहीं बोलता कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, उसको खुद समझ है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है और कितनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो और मेरे को क्वालिफाई करना, उसके लिए खुद कर रहा होता है. ठीक है, तो ये हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना. उसका प्रॉब्लम है UGC NET एग्जाम क्लियर करना, तो उसको कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में भी उसको खुद ही जानना पड़ेगा, और खुद ही वो ढूंढता है, ना तो वो पेरेंट्स को बोलता है ना तो किसी टीचर्स पे बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट रहता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है. इसीलिए ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड लेवल होता है. तो चलिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए. अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जो मैंने क्या बताया स्टूडेंट सेंटर्ड होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या बोला है, ऑप्शन 1 पे प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला तो ये किस में आएगा, रिफ्लेक्टिव में आएगा. तो रिफ्लेक्टिव कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे. तो डी का क्या आ गया, 1 आ गया. चलिए मैं यहाँ पे सारा लिख लेती हूँ, ए बी सी एंड डी. तो डी का क्या आ गया, 1. अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स किस में सबसे ज्यादा होती है ना, फीलिंग्स आती है आपका ऑटोनोमस में. आपको समझना पड़ेगा, मैंने क्या बोला स्टूडेंट सेंटर, जो बच्चा खुद से, तो बच्चा कैसे सीखेगा, थ्रू दी फीलिंग्स ना, उसको रोना कैसे, हंसना कैसे, खेलना कैसे कोई किसी भी टॉय के साथ में. तो ये क्या आ गया, ऑप्शन ए का 2 आ जाएगा. ऑप्शन ए में 2 आ गया. रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, रिकॉल कर रहा किसको, फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को. रिकॉल करना मतलब रिपीट करना कोई भी, तो ये किसका हो गया, मेमोरी लेवल का. तो मेमोरी लेवल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे. तो बी का क्या आ गया, 3 हो गया. एंड नंबर 4, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड देयर एग्जांपल. जैसे मैंने आप लोगों को किसका बताया, कैट का. तो कैट के कलर क्या है, कैट का साइज क्या है, तो यहाँ पे जो चीज सीखा हो मेमोरी लेवल में उसको इन्हांस करता है, उसके बारे में और थोड़ा ज्यादा जानता है, उसको समझने का कोशिश करता है. तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप को देख रहा हूँ, अपने फैक्ट्स को, उस जो भी एग्जाम्पल्स उसको बताया गया है उसके बारे में. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का. तो सी का 4 हो गया. और डी का तो मैंने बता ही दिया, पियर लर्निंग नहीं आएगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, मतलब हम लोग का क्या होगा, 2, 3, 4, 1. देखिए ऑप्शन ए में 5 है, ए का 5, तो ए का 5 होगा क्या, बिल्कुल नहीं, प्योर लर्निंग होगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ने पहले इलिमिनेट की. ऑप्शन बी, ऑप्शन ए का क्या है, 2 है, हाँ बिल्कुल सही है,
ऑप्शन बी में क्या होगा, 3, ये सही है। ऑप्शन सी में 4 एंड ऑप्शन डी में 1, यस ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। सी में क्या बोला है, ऑप्शन ए का 1, ये नहीं होगा तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन डी में भी ऑप्शन ए का क्या बोला, 1 बोला, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।